टोटल हम लोग 8 लोग हैं और यहाँ पे हम लोग 3 और वहाँ पे अभी गिरेगा देखो। वो सब गिरा चुके हैं और सब मिर्ची और बीन्स यहाँ पे नमक तो सभी लोग बेच चुके हैं, सभी लोग खा रहे हैं। अभी गिरेगा ये बनाना का पेड़। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सभी को फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज जो है दोस्तों हम लोग जूम काटिंग के लिए जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे जीजू का घर यही है ना, तो इसका जूम ही आज हम लोग काटने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए आज मेरा ये वाला है दाऊ दोस्तों, ये नया वाला दाऊ, ये बांग्लादेश से है। ये यहाँ पे आप लोग को नज़र नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा नज़र आता है। यहाँ पे पीस देख रहे ना, तो तालबाब का भी अलग अलग नाम रहता है। इसका तालबाब का नाम पीस है, तो यहाँ पे पीस निशान है। और यहाँ पे दोस्तों क्योंकि काफ़ी लोग हम लोग जाने वाले हैं ना तो जूम का काटनिंग के लिए जंगल वगैरह, तो यहाँ पे चावल वगैरह पकाया जा रहा है। तो यहाँ पे है चावल, ये बांग्लादेश का चावल है। और यहाँ पे भी चावल है और घर के अंदर पकाया जा रहा है तो जो भी सब्जियाँ वगैरह। और यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी लोग अभी रेडी हो रहे हैं ना। यहाँ पे भी अभी बड़े पापा होता है मेरा, ये भी अभी रेडी कर रहे हैं तालबाब वगैरह, ये भी नया तालबाब है। तो अभी कुछ देर बाद हम लोग खाना वाना खाएँगे। तो आज सुबह सुबह लंच होगा हम लोगों का। अभी तो सुबह सुबह अभी फोग चारों तरफ देखिए दोस्तों पूरा फोग ही फोग घिर चुका है। और मेरा जो आवाज़ सर्दी खांसी हो गया है ना, इसी कारण मेरा आवाज़ भी चेंज हो गया। तो कुछ देर बाद हम लोग लंच करेंगे, एक टाइप का लंच और ब्रेकफास्ट। तो गैस अभी हम लोग का सुबह सुबह लंच और ब्रेकफास्ट का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे है ना तो दाव का दाल वगैरह बना रहे हैं सभी लोग। तो अभी दोस्तों हम लोग लंच और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बीन्स मिर्ची वगैरह सब कुछ, हाँ यहाँ पे जितना भी लोग देख रहे हैं ना पूरा का पूरा हम लोग जूम काटने के लिए जा रहे हैं। और ये रहा जीजू, इसका ही जूम हम लोग काटिंग करेंगे आज। ए फ्यू मिनट्स लेटर अभी 7:30 के आसपास हो रहा है दोस्तों। अभी भी हम लोग गाँव पे है लेकिन अभी नाव पे पहुँच चुके हैं हम लोग बोट पे। और अभी हम लोग बहुत से जाएंगे, त्रिशा की मम्मी जाएंगे खेत पे, उनमें उन लोगों को सोर के आऊँगा। और अभी यहाँ पे हम लोगों का तैयारी चल रहा है दाव बगरा दाल बनाने के लिए। तो ये बगरा ले लिया दोस्तों हम लोगों ने, ये बम्बू का टुकड़ा, तो ये उसमें जरूरत पड़ेगा ना हम लोगों को तो खेती में। तो ये बगरा खेती में सोर के आऊँगा, उसके बाद ही जूम बगरा काटूँगा। A few minutes later. हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों यहाँ पे, थोड़ा आगे जाके यहाँ पे जूम काटना है। तो सबसे पहले मैं त्रिशा की मम्मी को खेती पे सोर के आऊँगा। और तो हमारा जो खेती है दोस्तों ये इससे थोड़ा आगे है, तो ये जीजू का जूम है बीच में पड़ता है। तो अभी वहाँ जाऊँगा इसको सोर के आऊँगा ये वगैरह, सो उसके बाद फिर से यही पे आना पड़ेगा जूम काटिंग के। A few minutes later. तो गाइस अभी त्रिशा की मम्मी को भी खेती में सोर के आ चुका हूँ। तो अभी बहुत यहाँ पे है तो अभी इसे जाना पड़ेगा थोड़ी देर जाने के बाद। तो वहीं पे जूम काटिंग चल रहा है, तो वहीं पे जाके हम लोग को जूम काटिंग करना पड़ेगा। तो अभी जाता हूँ गैस। अभी दोस्तों पहुँच चुका हूँ, तो यहाँ पे काट रहा है। तो हम लोगों ने सुबह तो ब्रेकफास्ट वगैरह किया है और फिर से हम लोग खाना वगैरह लेके आए, यहाँ पे चावल बीन्स वगैरह यहाँ पे दाल। तो ये हम लोग लगभग 12-1 बजने के बीच में ही खाएँगे। अभी जाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी जंगल वगैरह दिख रहा है ना ये पूरा कटिंग करना है हम लोगों को, लगभग 4-5 दिनों के अंदर कंप्लीट कर देना है। 1 hour later. तो अभी दोस्तों 8:00 हो चुका है, तो मैं काफ़ी टाइम से पहले पहुँच चुका था। और वहाँ पे देखिए जंगल ये वाला अभी हम लोग काट के जो भी फेर वगैरह बम्बू शम्बू घिरा चुके हैं। तो अभी हिस्सा में है ना पूरा वो भी ऐसा ही था। तो अभी यहाँ पे टोटल हम लोग 8 लोग हैं और यहाँ पे हम लोग 3 और वहाँ पे 3, वहाँ पे भी उस साइड में भी है। तो इसे काट के पूरा उधर तक लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। अभी दिखा नहीं पाऊँगा और कुछ टाइम के बाद ही दिखाऊँगा आप लोग को, बस अभी काट रही है। और ये वाला मैं बड़ा फिर बड़ा होता है दोस्तों, उसको काट के गिराना होता है। और जूम करने के बाद जो धान वगैरह है ना इसे साया रहेगा तो नहीं होता है, फसल अच्छा नहीं रहता है। इसलिए जो भी
सब कुछ गिरा देना पड़ेगा जो भी पेड़ बग रहा है। भैया अभी गिरेगा देखो, अभी ये भी गिरा देना पड़ेगा। A few minutes later. तो अभी दोस्तों 9 बजने वाला है, तो अभी हम लोग लगभग 1 घंटे तक काटा है, उसके बाद अभी रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये पुराना वाला घर है, उस टाइम ये हम लोगों ने ये वाला जूम खाए थे ना, तो उस लगभग 4-5 साल हो रहा है, 4-5 साल पहले ये वाला जूम खाते थे हम लोग, खाटने के बाद वो उस टाइम यहाँ पे जूम बनाए थे हम लोगों ने। और यहाँ पे देखिए अभी ये चूल्हा वगैरह भी है दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए ये चूल्हा है, चूल्हा वगैरह यहाँ पे जो हम लोग चूल्हा बनाते हैं ना, चूल्हा यहाँ पर भी, लेकिन घर तो गिर चुका है। यहाँ पे उस टाइम घर था हम लोग का लगभग 4-5 साल पहले, तो इस साल भी यहाँ पे जी जो घर बनाएगा, और इतना तक काट के लेके आ चुका है। तो अभी हम लोग का ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो अभी रेस्ट करो। मान लीजिए तो दाव वगैरह है ना, बीच बीच में दाव वगैरह बनाना होता है, इसलिए अभी दाव वगैरह बना रहे हैं, जो भी जिसका भी दाव वगैरह है। यहाँ पे देखिए तो नया नया तालबार, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये तालबार, ये दाव देखो दोस्तों ये टूट गया। तो बांग्लादेश का जो कुछ मतलब बांग्लादेश का कुछ चीज़ अच्छा है, कुछ चीज़ अच्छा नहीं है। ये वाला जो तालबार है बांग्लादेश है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो टूट गया, 700 में लिया था ये। तो अभी दोस्तों 11 बजने वाला है, कुछ टाइम पहले दिखाया था वहाँ पे थे हम लोग, तो अभी यहाँ तक पहुँच चुका है, तो इसके ऊपर खात नहीं सकता दोस्तों। यहाँ से पानी वगैरह दिखता है, वहाँ पे दिख रहा है मुझे बरगंग, और यहाँ तक आ चुका है। और फिर से हम लोग और तलबार या फिर दाव बाग यहाँ पे दाल बनाएंगे। दाल बनाने के बाद यहाँ पे जो भी बम्बू शम्बू सब गिरा चुके हैं, और सब प्लेट बना दिया है, और फिर से वहाँ पे भी जितना भी दिख रहा है ना दोस्तों, ऐसे करके पूरा राउंड करके यहाँ पर भी ऐसे राउंड करके पूरा काट के गिराना पड़ेगा। मतलब एक भी बासना नहीं चाहिए, बम्बो हो या फिर पेड़ वगैरह, एक भी बासना नहीं चाहिए, सब काट के फेंक देना है। और ऊपर उसके बाद एक या फिर 2 महीना सुखाने के बाद फिर यहाँ पे जो फॉरेस्ट वगैरह है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसी से नोटिस आता है कि जो जंगल वगैरह सब यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हाथ में होता है, इसलिए ये तो गार्डन वगैरह है हम लोग का। फिर भी मतलब कहीं क्योंकि जूम चलाना होता है ना, जूम चलाना वो फॉरेस्ट लोग बोलते हैं कि जूम चलाओ, तो एक टाइम आता है, तो उस टाइम तो गर्मियों का सीज़न आता है, और 1-2 महीने के बाद फिर यहाँ पे जूम चलाते हैं। चलाने के बाद फिर जो भी लकड़ी बचेगा उसको हाथ आना है, फेंकना है, उसके बाद घर बनाना है, ये है प्रोसेस दोस्तों हम लोगों का, हम चकमा लोगों का। 2 hours later. तो गैस अभी लगभग 1 बजने वाला है, तो अभी हम लोग वहाँ पे नीचे में जो सुबह आप लोग को दिखा दिया था, जो खाना वगैरह रख के आए थे, तो हम लोग सुबह थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, और थोड़ा चावल भी लेके आया, वो अभी खाना खाने जाएंगे दोस्तों। एक टाइम का हम लोग का सुबह भी लंच लेते, अभी भी लंच करेंगे, क्योंकि अभी 1 बजने वाला है, तो अभी भूख लग रहा है ना हम लोग को, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह खाना खाने का आदत नहीं है। तो अभी जाएंगे, सभी लोग जा चुके हैं, सिर्फ मैं ही बचा हुआ। तो पहले तो उधर तक काट के हम लोग लेके आ चुके थे, अभी ये वाला भी काट के इधर लेके आ चुके, तो यहाँ तक काट चुके हैं, ऊपर के साइड में नहीं काटेंगे, तो इसे काट दिया है दोस्तों, इसे राउंड करके। तो देखिए कितना नीचे तक नहीं दिखता, लगभग अभी खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद कौन सा हिस्सा काटेंगे, तो ऐसे करके यहाँ पे जो भी जंगल दिख रहा है ना ये भी काटेंगे, और ऐसे करके वहाँ पे जंगल दिख रहा है वो भी काटेंगे, और उस साइड में भी काटेंगे, फिर बन जाएगा जूम। तो अभी जाता हूँ मैं भी, अच्छा से जाना पड़ेगा दोस्तों। बाकी यहाँ पे तालबार देखिए, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना दोस्तों, कैसा हो गया इसको, इसका मुँह है डिवाइड हो गया, अभी अच्छा नहीं है। बांग्लादेश का प्रोडक्ट कौन बनाया है ये, अभी इंडिया का भी अच्छा अच्छा नहीं मिलता ना, इसलिए बांग्लादेश से लाना होता है, लेकिन ये वाला अच्छा नहीं रहता, कोई कोई अच्छा रहता है। A few minutes later. और गैस हम लोग वो रिवर का अंदर से ना, तो अभी आ चुके हैं पानी, बड़ा वाला पानी के साइड में बहुत पे, तो क्योंकि वही पे खाना खाने के लिए वो जगह अच्छा नहीं था, इसलिए यहाँ पे आके खा रहे। और हम लोगों ने साथ में हुक्का भी लेके आया दोस्तों, कोई भी पीना चाहता है तो पी सकता है, सभी लोग धीरे धीरे आ रहा है। और यहाँ पे चावल, यहाँ पे बीन्स, वहाँ पे दाल दोस्तों। अभी गैस हम लोग जो है खाना, तो यहाँ पे खाना कर रहा है, यहाँ पे लांच भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, और यहाँ पे
मिर्ची और बीन्स, यहाँ पे नमक, तो सभी लोग बेच चुके हैं, सभी लोग खा रहे हैं, बाकी मैं भी, बाकी हो अभी बात लेते हैं, नहीं तो अभी फटाफट से खा लेता, नहीं तो सब खा जाएगा। ये तो अभी दोस्तों यहाँ पे हम लोग का लंच भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मिर्ची बचा हुआ है, जो दाल वगैरह था सब कुछ फिनिश कर दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा चावल, ये चावल वगैरह मैं बटक को लेके जाऊँगा, चावल वगैरह जो भी बचा हुआ है। तो अभी फिर से हम लोग को वही रेडी करना पड़ रहा है, तो दाल वगैरह फिर से दाल बनना पड़ेगा, और कुछ देर बाद रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। और तो गाइस अभी फिर से हम लोग जा रहे हैं काम पे, और जो भी मतलब हुक्का पिया, जो भी हुक्का पीता है वो हुक्का पिया, जो बीड़ी पीता है बीड़ी पिया, क्योंकि खाना यहाँ पे ना, तो खाना वाना खाने के बाद पान बीड़ी वगैरह तमोल सब कुछ पीता है, खाता है। तो अभी फिर से जा रहा हूँ, और यहाँ पे दोस्तों ऑफ द गाइस, ये वाला मेरा जो कलाई है ना, वो एकदम पूरा दर्द दे रहा है, क्योंकि ऐसा हार्ड वाला काम करने से ना, जो भी करता है उसको मालूम होगा, क्योंकि लगातार लगभग एक दो घंटा तक करना होता है। और यहाँ पे मेरा एक ये देखो दोस्तों, यहाँ पे वो देख रहे हैं ना, ये वाला फूल चुके हैं, हाँ इसमें अंदर में पानी आ गया है, अभी इसको घर में जाके इलाज करना पड़ेगा। और हाथ देखो तो पूरा लाल लाल हो गया है यहाँ पे, तो अभी करना ही होता है दोस्तों, क्या करें पैर के लिए। जी जो है ना, वो बाकी जितना भी लोग है ना, टोटल हम लोग 8 लोग हैं, उसको बचा उसको छोड़ के 7 लोग हैं, तो 7 लोग को जीजू यहाँ पे एक आदमी को 700 रुपया एक दिन में ऐसे करके यहाँ पे तो लेबर लेते हैं, तो जीजू लेबर लेके आया है, तो मैं भी लेबर एक टाइप का आज के लिए, तो लगभग मुझे 4-5 दिन तक आना पड़ेगा, क्योंकि आजकल यहाँ पे दोस्तों कुछ भी इनकम का सोर्स नहीं है, ऊपर से फैमिली भी है ना, फैमिली को चलाना तो होता है। मेरा जो ब्लॉग वगैरह काफ़ी लेट लेता है ना, मतलब मैं ब्लॉग तो मेरा ऑलरेडी बना के रखता हूँ, लेकिन क्या होता है गैस, वो नेटवर्क की वजह से अपलोड नहीं कर पाता हूँ, उस ऊपर से मेरा काम भी रहता है, क्योंकि मेरा तो फैमिली है दोस्तों, फैमिली चलाना होता है। मैं अगर मतलब फैमिली ना होता तो ऐसे मतलब रेगुलर वीडियो अपलोड करता, लेकिन पेट के लिए भी काम करना होता है, बाकी जो भी है क्या करें, तो करना तो होता है। तो अभी पहुँचने वाला हूँ मैं यहाँ पे जूम पे, इससे पहुंच चुका हूँ मैं वो जूम में, और इस साइड काटा है हम लोगों ने, और बाकी ये वाला भी काटना पड़ेगा, और इस साइड भी काटना पड़ेगा, और बाकी अभी ये वाला साइड काट काट के जाएंगे। तो अभी देखो वहाँ पे हस्तात हो चुका है जूम काटना, यहाँ पे चल रहा है दोस्तों अभी जूम काटिंग, अभी गिरेगा ये बनाना का पेड़ वगैरह सब कुछ गिराना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों 350 हो गया है, यानी कि 3:50 हो गया है, तो लगभग हम लोगों ने 3 बजे काम छोड़ दिया है, तो 3 बजे छुट्टी हो गया, तो वहाँ से आते आते ये आधा घंटा जैसे लगा। और अभी फिर से हम लोग जाएंगे, और थ्रिशा और थ्रिशा की मम्मी उधर है ना खेत पे, तो खेत पे खेत से लेके आने पड़ेगा उन लोगों को, फिर हम लोग वापस घर में जाएंगे। और अभी भी धूप है तो जल्दी छुट्टी हो जाता है इसीलिए, तो क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है ना दोस्तों, पूरा तन लगता है नहाने में, तो नहाना भी पड़ेगा आजकल, तो यही से जो नदी से नहा के घर जाना पड़ेगा। तो अभी तो पानी नहीं है ना, इसलिए पानी होता तो आराम से घर में जाके नहा सकता है। तो अभी जाते हैं त्रिशा, त्रिशा की मम्मी को लेके आते हैं। A few minutes later. तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं हम लोग गाँव में, तो अभी यहाँ पे है ना त्रिशा, त्रिशा की मम्मी तो घर में जा चुका है, तो अभी यहाँ पे हम लोग नहा रही है, और जितना भी गया है ना सभी नहा रही है अभी, और उस पार में भी कुछ लग गया है, तो अभी बहुत ठंड लग रहा है दोस्तों, अभी कब जाऊंगा दोस्तों फटाफट से, ठंडा लग रहा है बहुत। A few minutes later. तो गांव में भी पहुंच चुका हूँ गाइस अभी मैं, तो यहाँ पे हाथ वगैरह सेक रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत ठंड लग रहा है ना, तो वहाँ से नहा के आना है, तो यहाँ पे आजकल तो यहीं पे घर पे नहाता हूँ, लेकिन
पानी नहीं आ रहा है इसलिए। तो अभी हम लोग खाना वगैरह खाएंगे जी जीजू के घर में यहाँ पे। तो मुझे थोड़ा सा भी भूख नहीं दोस्तों, क्योंकि हम लोग 1 बजे खाना खाते ना वहाँ पे। अभी गए हम लोग डिनर कर रहे हैं और यहाँ पे त्रिशा भी मेरे साथ डिनर कर रहा है और यहाँ पे दाल और यहाँ पे आलू और बीन्स, यहाँ पे मिर्ची दोस्तों, यहाँ पे भी बीन्स और यहाँ पे दाल। तो अभी तो हम लोग डिनर करते हैं। तो गैस अभी टाइम हो रखा है 7:30। तो कुछ देर पहले दोस्तों हम लोगों ने डिनर वगैरह कंप्लीट किया है। तो गैस क्या था ना, जो ऐसे वाला हार्ड वाला काम करने के बाद मस्त नींद आता है। तो अभी मस्त तरीके से सो जाऊंगा दोस्तों, मस्त नींद आ रहा है। तो पूरा रात आज अच्छा नींद आएगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा है। तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। तो अभी सीधा सो जाऊंगा दोस्तों, वीडियो भी अब एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि नींद तो अभी बहुत आ रहा है।